हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गणपाल क्लासेज में। आज आप देख रहे हैं क्लास सिक्स न्यू लर्न बेल साइंस का चैप्टर नंबर 10। आज हम इसके बारे में सभी क्वेश्चन आंसर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके उस वीडियो को देख सकते हो। आपको ये चैप्टर पहले समझ लो अच्छे से, इसको फिर इसके क्वेश्चन का आंसर करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पे लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके आप इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो देख सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड शेयर कीजिए इसे, बस और आपसे क्या चाहिए। चलो इसके क्वेश्चन आंसर हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू इस टाइप का, जिसमें आपका ए वाला क्वेश्चन है कि द ओनली मूवेबल पार्ट ऑफ स्कूला इज द, यानी स्कूला जो होता है हमारी खोपड़ी जो होती है उसका मूवेबल पार्ट ओनली कौन सा होता है। तो मैंने आपको जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो बताया था लोअर जोस ही मूवमेंट मूवेबल पार्ट होता है, बाकी सब फिक्स्ड पार्ट होते हैं। ठीक है, इसलिए ही तो मैं कह रहा था कि अगर आपने वो एक्सप्लेनिंग वीडियो नहीं देखा तो पहले चैप्टर को समझ लो, फिर आपके लिए इसका क्वेश्चन आंसर बिल्कुल आसान लगेंगे आपको। ठीक है, वरना ये चैप्टर बहुत हार्ड लगेगा। सेकेंड क्वेश्चन है फ्लोटिंग रिप्स। ठीक है, फ्लोटिंग रिप्स जो होती है कौन कहाँ होती है। ठीक है, तो मैंने बताया था रिबकेज में जो लास्ट पेयर होता है रिब्स का वो फ्लोटिंग रिब्स होती है। जिसने चैप्टर पढ़ा है, जिसने एक्सप्लेनिंग वीडियो देखी है, उसके लिए तो बिल्कुल बहुत ही आसान है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज प्रेजेंट फोर लिम्ब्स। ठीक है, फोर लिम्ब्स, अच्छा फोर लिम्ब्स में कौन सी बोन होती है ये कह रहा है, सॉरी बॉडी नहीं बोन्स। तो ह्यूमरस जो है आपकी फोर लिम्ब्स की बोन्स है। अब आपको ये भी पता नहीं होगा फोर लिम्ब्स क्या है। ठीक है, हिंड लिम्ब्स क्या है, तभी तो मैं कह रहा था चैप्टर पढ़ लो, पहले एक्सप्लेनिंग वीडियो देखो फिर जाके आपको सारा कुछ क्लियर होगा। द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट बोन फीमर होती है, थाई पे जो बोन होती है उसको लॉन्गेस्ट बोन बोलते हैं। द नंबर ऑफ बोन्स दैट फॉर्म एन एडल्ट स्केलेटन। ठीक है, एडल्ट स्केलेटन सिस्टम में टोटल कितनी बोन्स होती है, 206 बोन्स होती है। नेक्स्ट है पेक्टोरल ग्रिडल इज प्रेजेंट ऑन द अपर साइड ऑफ। ठीक है, आर्म्स आर्म्स के अपर साइड में जो ग्रिडल होती है उसको हम पेक्टोरल ग्रिडल कहते हैं। आगे हैं जी वाला क्वेश्चन है, ब्रिस्टल आर प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ ए बॉडी। ब्रिस्टल जो होते हैं वो किस किस बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने बताया था ब्रिस्टल्स जो होते हैं अर्थबम की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो कि अर्थ बम के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। मूवमेंट ऑफ बोन्स इन ब्रॉट अबाउट द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, तो वो आपके मसल्स है। नेक्स्ट है आई वाला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ बोन्स इन स्कूला, कितनी बोन्स होती है, 22 होती है बताया था मैंने। उनमें से 14 बोन्स जो होती है 14 बोन्स आपकी फेशियल बोन्स होती है। आगे है हिंज जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन। हिंज जॉइंट जो होता है सिर्फ वन डायरेक्शन में ही मूवमेंट को अलाउ करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है अंडरस्टैंड एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, तो देखो नी में आपके हिंज जॉइंट होता है जो कि वन डायरेक्शन मूवमेंट अलाउ करता है, ऐसे ही आपके शोल्जर पे जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, और नेक में आपके पिवेट जॉइंट होता है, और ब्रिस्ट में आपके ग्रेडिंग जॉइंट होता है। जैसे स्नैक्स लूप्स में चलता है, ऐसे ही जो स्नेल है स्नैक स्नेल जो है मस्कुलर फुट से चलता है। ठीक है, रिब केज में 24 बोन्स होती है टोटल, वन साइड 12 12 होती है, ऐसे बैक बोन में 33 जो होती है बैक मतलब एक तरह से बोन्स होती है। स्कूल जो है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ऐसे ही प्रोटेक्ट द स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड को बैक बोन प्रोटेक्ट करती है।
ठीक है, आगे हमारा थर्ड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। प्लांट सो लाइक एनिमल्स। अच्छा, प्लांट सो तो इसमें आएगा मूवमेंट, प्लांट मूवमेंट को शो करता है बट डू नॉट सो लोकोमोशन। ठीक है, बट प्लांट जो है लोकोमोशन शो नहीं करता, यानी कि एक वन पैलेस से अनदर पैलेस पे मूवमेंट शो नहीं करता। द स्कूल आर मेड अप, अभी बताया था, जस्ट 22 बॉन्स होती है। नेक्स्ट है द स्मॉल बॉन्स ऑफ बैकबोन आर कॉल्ड। ठीक है, बैकबोन की जो स्मॉल बॉन्स होती है उनको हम क्या कहते हैं? तो आपके वर्टेब्रेट है, आगे है द लेग्स आर जॉइंट टू स्पाइन। ठीक है, लेग्स जो होती है स्पाइन से जॉइंट होती है, वो आपके हिप यानी कि पेल्विक ग्रिडल से जॉइंट होती है। आर्म्स आर जॉइंट टू द स्पाइन्स, वो आपके शोल्डर ग्रिडल है। इज द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल। ठीक है, चैप्टर हमने पढ़ाया है, जिनको तो बहुत आसान लग रहा है जिन्होंने चैप्टर पढ़ा है, अदरवाइज आपको सब कुछ डिफिकल्ट लग रहा होगा यहाँ पे। देखो, स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट हमारी सेल्स होती है। आगे है बिस सिस्टम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जब चैप्टर रीडिंग करवाया था, सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट है मस्कुलर फुट ऑफ स्नेल प्रोड्यूस स्लिमी सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड मक्कस। आगे है फिश हैव बैकबोन, फिश के पास फ्लेक्सिबल बैकबोन होती है, और रिब केज जो होते हैं हमारे हार्ट को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। हार्ट जो कि सॉफ्ट ऑर्गन होता है उसको प्रोटेक्ट करता है रिब केज। आगे हमारा क्वेश्चन फोर्थ है, गिव वन वर्ड द सॉफ्ट इलास्टिक टिश्यूज प्रेजेंट बिटवीन द बोन्स एंड जॉइंट, इसको हम कार्टिलेज कहते हैं। द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, अभी बताया था स्केलेटन होता है। स्ट्रॉन्ग फाइबर दैट जॉइंट बोन्स, अच्छा जो बोन्स को जॉइंट करता है वो टेंडन्स होता है। द शेप ऑफ बॉडी फिश, बॉडी और ऑफ फिश एंड बर्ड्स, बर्ड्स की और फिश की शेप जो होती है वो स्ट्रीम लाइंड होती है। एंड स्केलेटन सिस्टम प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स, तो उसको एंडो स्केलेटन बोलते हैं। जैसे फिश में होती है ना, फिश में बैकबोन जो होती है वो एंडो स्केलेटन होती है। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एनिमल विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन बिलो। आपको क्लूज दे गए हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है एनिमल का नाम। इट मूव्स विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर फुट, मस्कुलर फुट जो होते हैं आपके स्नेल के पास होते हैं। इट मूव्स बाय द अल्टरनेट एक्सटेंशन कॉन्ट्रेक्शन, तो अर्थवर्म होता है इसमें आपका। इट स्विम्स इन वाटर बाय ट्विस्टिंग बाय बॉडी अल्टरनेट, तो फिश होती है ट्विस्ट करती है दोनों साइड में। इट फ्लाइज विद द हेल्प ऑफ द फोर लिम्स, तो बर्ड्स होता है, बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं वो हमारे मतलब एज ए फोर लिंग्स होते हैं, फोर लिम्स। इट वॉक्स विद द हेल्प ऑफ थ्री पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग्स, तो तीन पेयर जो होती है लेग्स की जॉइंट वो आपके कॉकरोच के पास होती है। नीचे आपको एक स्केलेटन सिस्टम दिया गया है, इसमें जो पार्ट्स हैं उनको आपको लेवल करना है। तो देखो, ये आपका ठीक है स्कोला होता है, जो आपके ब्रेन को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ये आपके शोल्डर शोल्डर बोन है, ठीक है, यहाँ पर आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, इसको दिखाया गया है। ये आपके जो रिबकेस हैं, ठीक है, और रिबकेस के अंदर जो ये है पीछे वाली, इसको बैकबोन बोलते हैं। ठीक है, ये आपके हिप जॉइंट है, हिप्स का जॉइंट है आपके, हिप का जॉइंट, और ये आपकी फीमर है, थाई वाली हड्डी, ठीक है, थाई वाली बोन्स, दैट इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। और लास्ट में आपका ये ग्रेडिंग जॉइंट है, जो कि आपके पैर में होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, आपके वेरीसॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर्स हैं। उनका पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर, तो इसका सेल्स है, पहले भी पढ़ चुके हैं। वेयर आर द ब्लड सेल्स मेड इट, तो बोन मैरो, ठीक है, जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था मैंने बताया था आपको। हाउ मैनी वर्टेब्रेट्स आर देयर इन बैकबोन, तो 33 होती है। नेम द सॉफ्ट टिश्यूज प्रेजेंट बिटवीन द बोन्स, बोन्स के बीच में जो सॉफ्ट टिश्यूज होता है उसको कार्टिलेज बोलते हैं।
तो ये आपके वेरी शॉर्ट भी फिनिश हो गए। अब हम देखते हैं शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है आपका नेम डिफाइन फ्लोटिंग रीफ्स, फ्लोटिंग रीफ्स को डिफाइन करना। बहुत ही सिंपल आंसर है द लास्ट टू पेयर ऑफ द रिब्स, यानी हमारे जो रिबकेज होता है उसके लास्ट दो पेयर होते हैं वो फ्लोटिंग रिंग होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ये हमारे लास्ट के दो पेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेम फोर काइंड ऑफ द फ्रीली मूवेबल जॉइंट, ठीक है। जो आपके फ्रीली मूवेबल जॉइंट होते हैं उनके चार टाइप्स कौन से। पहला टाइप है आपका पिवेट जॉइंट, दूसरा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तीसरा है हिंज जॉइंट, चौथा है ग्लिडिंग जॉइंट। अगला क्वेश्चन है आपका डिफाइन बोन मैरो, बोन मैरो को आपको डिफाइन करना है। देखो बोन मैरो इज प्रेजेंट इनसाइड द लॉन्ग बोन्स, बोन मैरो जो होता है लॉन्ग बोन्स के अंदर होता है, एंड ब्लड सेल्स आर मेड इन द बोन मैरो, जो ब्लड सेल्स होती है, ठीक है, RBCs WBCs जो है बोन मैरो में ही बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है वाई इज मस्कस सिक्रेटेड बाई ए स्नेल फुट, स्नेल फुट से मस्कस सिक्रेटेड। तो देखो द मस्कस सिक्रेटेड बाई स्नेल फुट हेल्प इन मूव ईजली बाय द रिड्यूसिंग फ्रैक्शन, यानी कि स्नेल के फुट और लैंड सरफेस के बीच में जो फ्रैक्शन होता है उसको रिड्यूसिंग एक तरह से रिड्यूस करने के लिए ये मकस का सेक्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बोन मैरो, बोन मैरो का क्या फंक्शन होता है। तो मैंने आपको अभी बताया है बोन मैरो का एक ही फंक्शन होता है, ठीक है, वो है आपके ब्लड सेल्स को बनाना। अब भी हम बात करते हैं लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप का स्टेट द फंक्शन ऑफ स्केलेटन, स्केलेटन के फंक्शंस बताने। तो देखो पहला है सपोर्ट, यानी स्केलेटन सिस्टम सपोर्ट करता है, ठीक है। ये एक हार्ड फ्रेमवर्क होता है जो कि हमारे मसल्स को और ऑर्गन्स को एक तरह से सपोर्ट करता है और हमें अपराइट स्टैंड होने में मदद करता है। दूसरा है प्रोटेक्शन, यानी कि ये हमारे सॉफ्ट जो ऑर्गन्स हैं लाइक ब्रेन है और स्कुला है, हार्ट है, लंग्स है, रिब्स है, ठीक है, हर इन सबको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है मूवमेंट, यानी कि स्केलेटन का सिस्टम का एक और जो है फंक्शन होता है मूवमेंट, यानी कि बोन्स जो है मूव करती है जॉइंट से, ठीक है, और जॉइंट जो होता है ही जॉइंट ही बोन्स को इनेबल करता है फॉर मूवमेंट। एंड लास्ट है मेकिंग ब्लड सेल्स, ठीक है, लंबी जो बोन्स होती है लॉन्ग जो बोन्स होती है उसके अंदर बोन मैरो होता है और बोन मैरो जो होता है आपके ब्लड सेल्स को बनाता है। क्वेश्चन सेकंड है आपका एक्सप्लेन हाउ मसल्स ब्रिंग अबाउट मूवमेंट इन योर आर्म, ठीक है, आर्म में जो मसल्स का मूवमेंट होता है वो किस टाइप से होता है। देखो द मसल्स दैट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ आर्म्स आर बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, ठीक है, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल्स होती हैं हमारे आर्म्स में जो होती हैं। तो देखो ध्यान से समझना है क्वेश्चन को कि व्हेन राइज आवर हैंड्स, जब हम हैंड्स को राइज करते हैं तो बाइसेप्स शॉर्टर हो जाते हैं, ठीक है, एंड जब हम राइज मतलब अपने हाथ को राइज करते हैं मतलब खोलते हैं तो बाइसेप्स शॉर्टर हो जाते हैं और ट्राइसेप्स जो होते हैं वो लॉन्गर हो जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली व्हेन लोअर आवर हैंड, और जब हम हैंड को कम करते हैं एक तरह से तब हमारे जो ट्राइसेप्स होते हैं वो शॉर्टर हो जाते हैं और जो बाइसेप्स होते हैं वो लॉन्गर हो जाते हैं, ठीक है, ये थोड़ा इनमें अंतर होता है। अगर आपको अब समझ में नहीं आ रहा ट्राइसेप्स क्या हैं बाइसेप्स क्या हैं तो चैप्टर एक्सप्लेनिंग वीडियो देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप समझ सकते हो। आगे है आपका थर्ड क्वेश्चन विच प्रॉपर्टी ऑफ मस्कल्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ बोन्स, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी बोन्स का मूवमेंट होता है। देखो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रॉपर्टी ऑफ द मस्कल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ बोन्स, ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू मसल्स इज रिक्वायर्ड द मूवमेंट ऑफ बोन,
यानी बॉन्ड के मोमेंट में दो, ठीक है, मसल्स का रिक्वायरमेंट होता है, और वैन ए मसल्स कॉन्टैक्ट, जब एक मसल्स कॉन्टैक्ट होती है इट पुश द बॉन्ड अवे फ्रॉम द जॉइंट, तो ये बॉन्ड को पुल करती है जॉइंट से अवे, एंड वैन जब ये रिलैक्स होती हैं इट अलाउ टू बॉन्ड टू मूव अवे फ्रॉम इट सेल्फ बाई टू वर्ड्स द वॉट स्पेशल फीचर्स ऑफ बर्ड बॉडी एनेबल टू फ्लाई, ठीक है, बर्ड की बॉडी में, बर्ड बॉडी में क्या फीचर्स होते हैं कि वो उड़ सकते। देखो पहला है कि इनके बॉडीज, इनके जो विंग्स होते हैं वो एक तरह से फोर लिम्स जो होते हैं विंग्स में मॉडिफाइड होते हैं, यानी कि अग्रपाद जो होते हैं आगे के पैर वो विंग्स में मॉडिफाइड होते हैं जिससे कि वो फ्लाई करते हैं। दूसरा है इनके बॉडी हॉलोज होती है, यानी कि बोन्स हॉलोज होती है, और स्ट्रीमलाइन इनकी बॉडी होती है जो कि उड़ने में मदद करती है। तीसरा है ये अपने विंग्स को फ्लैपिंग करते हैं इससे कि उनको लिफ्ट मिलती है, मोमेंट मिलता है। आगे है आपका ये वाला क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ मोमेंट इन बर्ड्स ब्रॉट अबाउट इन अर्थवर्म, अर्थवर्म और स्नेल दोनों में कैसा मोमेंट होता है वो हमें समझना है। देखो ध्यान से, पहला हम देख रहे हैं अर्थवर्म में, तो अर्थवर्म में जो मोमेंट होता है वो एलोंगेशन और शॉर्टनिंग से होता है, यानी कि ये अपनी बॉडी को, ठीक है, आगे के जो पार्ट है उसको एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, और पीछे के पार्ट को फिक्स करते हैं, फिर पीछे के पार्ट को एक तरह से फ्री करते हैं तो आगे के पार्ट को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, ठीक है। मैंने ये चैप्टर एक्सप्लेनिंग में अच्छे से समझाया है तो आप इसको नोट कर लो, और अगर इसे समझना है तो एक्सप्लेनिंग वीडियो में समझ लेना, ठीक है। ये आपका अर्थबम का मूवमेंट है और ये आपके स्नेल का मूवमेंट है। अगला है डिस्कंसियस बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 10 है डिस्कंसिगस बिटवीन फ्रीली मूवेबल एंड इमूवेबल जॉइंट्स, यानी कि जो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं और जो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं उनमें हमें डिफरेंस बताना है। देखो जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं वो आपके चार टाइप के होते हैं। पहला है पिविट जॉइंट, ठीक है, जो कि आपके रोटेशन, मतलब ऑल डायरेक्शन में रोटेशन को अलाउ करता है, और ये आपके जो पिविट जॉइंट होते हैं ये आपके नेक और आपके हेड पे होते हैं। दूसरा है बॉल बेयरिंग या फिर बॉल सॉकेट जॉइंट, जो कि आपके मैक्सिमम मोमेंट को अलाउ करता है, और यह आपके हिप और शोल्डर पे होता है, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा क्योंकि मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया था वहाँ पे आपको अच्छे से समझा दिया। हिंज जॉइंट है, वन डायरेक्शन में मोमेंट करता है। गिल्टिंग जॉइंट है, जो कि आपके साइड बाय साइड या फिर बैक और फॉरवर्ड मूवमेंट करता है, ठीक है। ये तो सारे मूवेबल जॉइंट हो गए, अब बात करते हैं इमूवेबल जॉइंट की। तो ये जॉइंट कुछ ऐसे होते हैं जो कि मूवमेंट नहीं करते, ये फिक्स जॉइंट होते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करते हैं। ये जो जॉइंट होते हैं आपके स्कूला में होते हैं, यानी कि आपके ऊपर वाले पार्ट में होते हैं और आपके टूथ सॉकेट में होते हैं, आपके दांतों की जो सॉकेट होती है वो आपके फिक्स जॉइंट होते हैं, ठीक है। अगला जो डिस्कंसिगस है वो बेड है आपके हिंज और बॉल सॉकेट जॉइंट में, जो कि आपका अभी मैंने समझाया। तो देखो हिंज जॉइंट होता है वो आपके वन डायरेक्शन के मूवमेंट को अलाउ करता है, ठीक है। हिंज जॉइंट जो होता है हमारी नी और एल्बो पे होता है। बॉल एंड सॉकेट जो जॉइंट होता है वो आपके मैक्सिमम मूवमेंट को अलाउ करता है, और ये आपके शोल्डर पे होता है और आपके हिप पे होता है, ठीक है। फिर हम डिफरेंस देखते हैं एंडो स्केलेटन और एक्सो स्केलेटन। अगर स्केलेटन सिस्टम बॉडी के अंदर होता है तो वो एंडो स्केलेटन होता है, जैसे फिश के अंदर होता है और वुमेंस के अंदर होता है। हमारी बैकबोन जो होती है वो हमारे बॉडी के अंदर होती है तो एंडो स्केलेटन है, और बाहर अगर स्केलेटन सिस्टम होता है तो वो एक्सो है, ठीक है, जैसे कॉकरोच वगैरह में बाहर होता है तो वो एक्सो स्केलेटन है। यह आपका चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट है, ठीक है,
और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। बहुत मेहनत होती है वीडियो बनाने में, बट मैं आपके लिए सब कुछ करता हूँ। मेरे लिए भी आप कुछ कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं हम अब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।